गैर कानूनी अस्पताल जैसे विश्वकर्मा, मेडिस्टार, मंडला, इधर तो बहुत से मतलब और अनेक गैर कानूनी अस्पताल चल रहे हैं जहां मरीजों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कई पुलिस वाले भी ऐसे हैं जो इनको इनके साथ मिलकर अपना भी घर बांधते हैं। अभी मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी पूरी जोर शोर के साथ महानगर पालिका एम एस वार्ड के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन पुकारेगी। मुंबई महानगर पालिका एम ईस्ट वार्ड विभाग कार्यालय के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे अतिक्रमण, गैर कानूनी कार्यों के साथ अनेक समस्याएं हैं, जिसके निवारण की जिम्मेदारी इस कार्यालय के अधिकारियों की है। पर ये अधिकारी इस अतिक्रमण, गैर कानूनी और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी व ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सोसाइटी और मानकूर्द विकास संघर्ष परिषद के पदाधिकारी एम ईस्ट वार्ड विभाग के वार्ड ऑफिसर महेंद्र उबाले से मिलकर ज्ञापन सौंप कर विभाग के समस्याओं के खिलाफ चर्चा करने के, मानकूर्द का विकास करने की संबंध में मिनती की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के डॉक्टर भगवान भाई डाटिया के साथ कलीम सिद्दीकी, विश्वास मेंगे, राजू सरोज, हुसैन मिस्त्री और रविंद्र दैफोड़े शामिल हुए थे। महेंद्र उबाले के तरफ से विकास कार्य के लिए प्रतिक्रिया दी गई कि जल्द ही वार्ड ऑफिसर जो है एम ईस्ट वार्ड की टीम इस पे छानबीन करेगी। मैं कलीम सिद्दीकी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का मुंबई प्रभारी। कल हम लोग मानपुर की कुछ समस्या को लेके हमारी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, हमारे महासचिव डॉक्टर भगवान भाई डाटिया, इन्होंने वार्ड ऑफिसर से कुछ हमारी चर्चा हुई कि मानपुर में जो समस्या चल रही है, जैसे कि गैर कानूनी अस्पताल जैसे विश्वकर्मा, मेडिस्टार, मंडला, इधर पे बहुत से मतलब और अनेक गैर कानूनी अस्पताल चल रहे हैं जहाँ मरीजों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, प्लस उनके पास में फायर लाइसेंस नहीं है। ऐसी हालत में भी अस्पताल बड़े मतलब फल फूल रहे हैं यहाँ पर गैर कानूनी अस्पताल, तो इस पर किसी का कोई बस नहीं है। एम वार्ड की तरफ से भी कोई कार्रवाई इन पर होती नहीं है। कई कंप्लेंट भी होने के बाद भी कोई एक्शन इन पर लिया नहीं जाता है। अगर कोई मरीज के साथ में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी बातों को लेकर हमने वार्ड ऑफिसर से बात की। दूसरा, जो गैर कानूनी यहाँ पर जो बांधकाम हो रहा है, बहुत से झोपड़े बनाए जा रहे हैं, जहाँ खाली जगह दिखते हैं वहाँ पर भूमाफिया जैसे लोग अपना बम्बू गाड़ के घर बना लेते हैं। ये सब की रोकथाम के लिए हमने उनको बताया वार्ड ऑफिसर को ये सब चीज़ के बारे में कि ऐसा इधर पे हो रहा है, बहुत कई सालों से हो रहा है। इसमें नेता लोग भी मिले हुए हैं साथ में, कई ऑफिसर है जो इनको सपोर्ट करते हैं, कई पुलिस वाले भी ऐसे हैं जो इनको इनके साथ मिल के अपना भी घर बांधते हैं। अभी मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर ऐसे लोग हमारे को पूरी इनसी जानकारी आई है कि ऐसे लोग इनको मिल के साथ में इनके घर बना रहे हैं वहाँ पर भी, और इसके बारे में वार्ड ऑफिसर को कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने वार्ड ऑफिसर को इनके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या तो ऐसी है कि मानपुर के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जो धंधे लगते हैं आजकल मार्केट में, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी के घर में कोई हादसा हो जाए, एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं रहेगी, इतना रोड जाम कर देते हैं। और उनको साइड में करने के लिए अगर पुलिस बोलती है या कोई आदमी बोलता है तो उनसे लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है, यहाँ ये तक नौबत आ जाती है। तो इसी के बारे में भी हमने वार्ड ऑफिसर से बताया कि ऐसा ऐसा मतलब मामला आज चालू है मानपुर के अंदर। तो वार्ड ऑफिसर ने हमको थोड़ा आश्वासन दिया है कि ये सब चीज़ की रोकथाम हम करेंगे जल्द से जल्द आने वाले समय में, और हमको मतलब एक भरोसा दिलाया है उन्होंने कि जल्द से जल्द आने वाले टाइम पे ये सब हम चीज़ ख़त्म करेंगे। और जो गैर कानूनी अस्पताल चल रहे हैं, जो हॉल शादी के हॉल जो इधर चल रहे हैं, सर्विस सेंटर चल रही है, ये सब चीज़ पे हम रोकथाम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और मैं भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वार्ड ऑफिसर ने जैसा कहा है कि हम इन सब चीज़ पे रोकथाम करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ करेंगे एम वार्ड के सामने, और उसमें हमारी पार्टी के लोग पूरे तरह से इसमें शामिल रहेंगे और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ये मानपुर को एक स्वच्छ मानपुर बनाने का पूरा निर्माण करने वाले हैं। धन्यवाद। मुंबई का प्रवेश द्वार मानपुर, अगर मुंबई में प्रवेश करना है तो मानपुर से होकर ही यहाँ से गुजरा जाता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं इस मानपुर की परिस्थिति बहुत विकट है।
और इस विकट परिस्थिति को सुधारने का काम, उसका विकास करने का एक चैलेंज हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है। और इसीलिए यहाँ के एम ईस्ट वार्ड, मुंबई महानगर पालिका के एम ईस्ट वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर श्री महेंद्र वाली जी से हम लोग, हमारी प्रतिनिधि टीम ने मुलाकात करके उनको यहाँ के समस्या के बारे में बताया। यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण तो ऐसे हो रहा है जैसे आओ जाओ हमारा घर, उसके बाद गैर कानूनी अस्पताल, अस्पताल के पास कोई चीज का परमिशन होता नहीं, लेकिन जहाँ जगह देखी वहाँ अस्पताल शुरू, शादी का हॉल, शादी का सरकारी जमीन पे शादी के हॉल के नाम पर अनेक पैसे कमाए जा रहे गैर कानूनी तरीके से। सर्विस सेंटर के नाम से रास्ता, सरकारी रास्ता गंदा किया जा रहा है। यहाँ की चलने फिरने की या तो गाड़ी जाने का जो रास्ता है, इसकी भीड़ भाड़ देखेंगे तो ऐसा लगेगा मार्केट है या रास्ता है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रास्ता दिखाई नहीं देता है, और ठेला जगह जगह पर, ठेला जगह जगह पर लोग बैठे हुए, फुटपाथ पे गैर कानूनी दुकानें एकदम बिंदास डाली गई है। महानगर पालिका इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने उबाले जी से चर्चा की, उनको ज्ञापन सौंपा। अब उबाले जी ने हमको पूरी तरह आश्वासन दिया है कि हम इस आपकी समस्या का निवारण करेंगे। हम लोग उनके इस बात पे भरोसा करते हैं। मगर अगर उबाले जी ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की या तो हमें दिया हुआ आश्वासन का पालन नहीं किया, तो हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी पूरी जोर शोर के साथ महानगर पालिका एम ईस्ट वार्ड के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन पुकारेगी। और इस आंदोलन सभी मुंबई के लोग, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे, और मानकूर्त विकास के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। MFA Films International, Production House, Mumbai. Films, Music, Albums, Hindi, Bhojpuri Albums, Making and Releasing. Films Making, Releasing and Marketing All Types Advertisement Worldwide. More Information, Email ID mfafilmsinternational@gmail.com. Book your ad, Today India News. Advertisement for this channel, book your ad. Call now 8452-880084.